वहाँ देश आधिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी में महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है पंद्रह दिसंबर से लेके इकतीस दिसंबर तक ये लिंक होगी सान ऑफ सर्शे इसके लिए रीडिंग मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी बट समहा uh, कुछ हुआ आर नो मतलब वीडियो जब सेव हो चुकी थी तो उसके बाद जब मैं अपलोड करने लगी हूँ तो आई नो वट हापन वीडियो हुई नहीं अपलोड एंड देन उसके ऊपर एक एरर्स आ रहा था तो आई अट हापन टू दैट लेकिन मुझे इसकी वजह से रीडिंग जो है वो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपकी सिचुएशन में कार्ड्स मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ क्योंकि मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर चुकी हूँ बेसिकली तो सो uh, बेसिकली so हम इस रीडिंग को जल्द से जल्द यू नो जल्दी जल्दी मैं आगे लेके जाऊँगी बिकॉज आई हैव टू यू नो गेट डाउन विद द रीडिंग्स टूडे तो रीडिंग uh, शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो so जो बातें जो आपकी मैं से जिस आपके लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को जिसको पिक करो बाकी सबको छोड़ दो तो. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रिचार्ज करो और uh, उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है so, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग देखते हैं कि सजेन्स के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा लेट्स पहले टेर चेक इसके करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे सो डू हाफ नाइट ऑफ सो सिक्स ऑफ वनस और टेम्परस क्योंकि इस तरह से था कार्ड्स एज एज आई टोल्ड यू के ऑलरेडी मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर चुकी थी बट वो डिलीट हो गई है या आर नो क्या हुआ सो बेसिकली आई फील लाइक कि इस टाइम के अंदर बेसिकली यू विल भी रीचिंग आउट अपने एक पास्ट uh, पर्सन को आप रीच आउट कर रहे हो इस टाइम के अंदर अब वो पास्ट पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है आपका एक्स भी हो सकता है सम बी रीड दैट यू नो फ्राम द पास्ट उसको आप रीच आउट करोगे उसको रीच आउट करने से मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोगों के लिए इट्स अ पास्ट पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप या तो रिसेंट टाइम्स में रहा है या फिर काफ़ी टाइम से आप दोनों का यू नो ब्रेकअप हो चुका हुआ है लेकिन आप सम हाउ यू कुडन मूव ऑन तो मुझे लगता है कि आप उस इंसान को रीच आउट करने वाले हो इस टाइम के अंदर जिसको रीच आउट करने के बाद आपको वो क्लोजर जो था उस कनेक्शन को जो नहीं मिल पाया था वो मिलेगा और उसके बाद आपकी लाइफ में एक अजीब सा पीस आप फ़ील कर सकोगे एक अजीब सी सैटिस्फेक्शन आप फील कर सकोगे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी मिलेगी कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो ये आप पास्ट पर्सन को रीच आउट कर रहे हो ये हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन जो है वो आपका कोई फ्रेंड हो कोई कोलीग हो किसी के साथ आ, लाजमी नहीं है कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप ही रहा हो लेकिन सम हाउ में भी जो चीज़ें एंड हुई थी वो काफ़ी ब्रॉपली एंड हुई थी कि आपको समझ नहीं आया था कि क्या हुआ क्या नहीं बट उसकी वजह से ही कुड नॉट मूव ऑन अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ में मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे कुछ देख रहे हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको नई ऑफर्स भी आ रही हो लेकिन आप उस ऑफर को लेने चाहते भी हो लेकिन नहीं ले पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो पाँच पर्सन की तरफ जाता है कि शायद यू नो पैचअप हो जाए शायद चीज़ें फिर से रिकनसाइल हो जाए उस इंसान के साथ तो कुछ था कुछ है जो आपको रोकता है हमेशा नए कनेक्शन में जाने से तो मुझे लगता है कि इस वजह से शायद आप अपने पास पर्सन को रीच आउट करोगे इस टाइम के अंदर जब आप रीच आउट करोगे तो आपको क्लोजर जो आपका मच नीडिड क्लोजर है वो आपको मिलेगा उस इंसान से बात करके आपको रियलाइज होगा कि इट्स ओवर बिटवीन यू एंड दैम और अब आपके लिए जो करंट ऑफर है जो आपके पास उसको आपको परसू करना चाहिए अगर कोई करंट ऑफर नहीं भी है तो भी आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के पास ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन uh, है आपकी लाइफ में जो कि आपको uh, दिख रहा है आपके फ्रंट यू नो इफ़ इफ़ यू लुक इन इन यू नो इफ़ यू लुक फॉवर इन टू द फ्यूचर या आप अपने सामने देखो तो आपको कोई ना कोई ऑफर ज़रूर दिख रही है लेकिन आप कहीं ना कहीं सामने देखते हुए आप बार बार पीछे देखना शुरू कर देते हो तो कि शायद पास्ट पर्सन जो है वो वापस आ जाए तो कुछ ऐसा था या ऐसा है जो कि जैसे आप इस यू you नो know, बाकी के महीने में एंटर होगी तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो आपको uh, एक प्रॉपर आपको एक पैटर्न दिखेगा जो चीजें हो रही हैं ना जैसे आपकी लाइफ में एक नया इंसान आना आपको दिख रहा है कि इसके साथ आपका शायद सक्सेसफुल रहे रिलेशनशिप लेकिन कहीं ना कहीं आपका पास की तरफ खिंचना इज इज अ साइन के समथिंग नीड्स टू यू नो एंड इन द पास्ट यू नो कुछ ऐसा है जो आपको जिसको क्लोजर आपको देना है जिसको एंडिंग आपने प्रॉपर देनी है तो आप उस एंडिंग को जब तक दोगे नहीं तब तक आप आगे हैप्पी मूव नहीं कर सकोगे शायद आप चाहते भी हो कनेक्शन में हंड्रेड परसेंट देना लेकिन आप नहीं दे पा रहे क्यों क्योंकि आपका कहीं ना कहीं दिल जो है वो past पर्सन के लिए अभी भी धड़कता है आपका अभी भी यू नो फीलिंग्स अटैचमेंट है उस इंसान के साथ तो मुझे लगता है कि डिवाइन हैज़ प्लान द होल सिचुएशन ताकि आपको वो क्लोजर भी राइट right टाइम पे मिले जब आपको फ्रंट पे देखने के लिए एक एक यू you नो know, एक ऑफर भी है अगर पहले आपको क्लोजर मिला होता तो शायद आप मूव ऑन फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके सामने कोई ऑफर नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास में यू नो फ्यूचर में जाके आप फिर उस इंसान के पास वापस आते अब जब आपको क्लोजर मिल रहा है तो उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि अब आपके सामने एक ऑफर है जिसको आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाओगे आप फिर पाँच परसेंट का सोचोगे भी नहीं सो so, इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रहा है कि कुछ डिवाइनली प्लान्ड एक जो है वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आप फील करोगे पैटर्न फील करोगे अलाइनमेंट किसी तरह की आप ज़रूर फील करोगे जहां पर सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है ताकि आप आराम से एक चीज़ में से निकलते हुए एक अच्छे कनेक्शन के अंदर जा सको सो so, देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम में coral और पॉल कुरल दिस शेड ऑफ पीछी ऑरेंज आपके लिए लकी रहेगा अलाउ फ्लो एंड सिंक्रसिटी इंटू योर लाइफ राइट नाउ नंबर 18 तो अगेन इसमें भी वही मैसेज है सिंक्रसिटी का अलाइनमेंट का मुझे लगता है कि यूनिवर्स इज बेसिकली अलाइन कर रही है आपको ताकि आप अपने गोल्स अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसको रीच कर सको इस टाइम के अंदर और ताकि आप जब नेक्स्ट ईयर में एंटर हो तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को पीसफुल फील कर रहे हो फ्रॉम विद इन और रेडी फील कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर सको ईजिलीली पॉल कनेक्ट टू द डिवाइन नंबर ट्वेंटी फाइव जितना आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे अपने गॉड से नेचर से कनेक्टेड रहोगे उतना आपको कहीं ना कहीं अपना अपनी लाइफ में जो है वो आगे मूव करने के लिए गाइडेंस जो है वो मिलती रहेगी सही स्टेप्स लेने की गाइडेंस डेफिनेटली मिलती रहेगी सो मेक श्योर कि आपका कनेक्शन जो है अपने डिवाइन के साथ जो है वो बना रहे अपने गॉड और नेचर के साथ द हार्ट ऑफ द मैर इज दर इज मोर गोइंग ऑन देन द आई मीट मुझे लगता है कि ये जो सारा कुछ जैसा मैंने कहा ना कि सारा कुछ जो बेसिकली था जो हुआ इस पूरी सिचुएशन को लेके आपकी लव लाइफ को लेके वो एक प्लान के तहत हुआ एक प्लान की यू नो सिचुएशन एक बिगर प्लान था जो शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे आपको शायद लगता होगा पहले कि काश ये क्लोजर मुझे मिल जाए ताकि मैं मूव ऑन कर सकूँ लेकिन आप शायद नहीं कर पाते अब जो प्रॉपर प्लान हुआ है चीज़ें एंड होना पास्ट पर्सन को आपका रीच आउट करना फ्रंट में आपके ऑलरेडी एक ऑफ़र होना और यू you नो know, आपके लिए बहुत आसान रहेगा मूव ऑन करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा ये सफ़र कि आप उस कनेक्शन में से निकलते हुए एक क्लोजर करते हुए एक वाइंड अप करते हुए रिलेशनशिप को आप जब नए कनेक्शन की तरफ जाओगे तो आपके दिल में कोई भी पास्ट पर्सन के लिए ना तो रिवेंज होगा ना ही कोई नेगेटिविटी होगी ना ही अपने करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए कोई बुरी फीलिंग होगी कि आप अकेले रह गए या कुछ इस तरह से आप हैप्पीली मूव ऑन करोगे जैसे कि शायद पास्ट पर्सन ने भी कर लिया हो इन द पास्ट सो so, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन जो लोग सिंगल है राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अगर आपको फ्रंट पे आपके अभी कोई ऑप्शन नहीं है या अगर आपके पास कोई ऑफर नहीं है लव लाइफ में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गो आउट एंड बी अबाउट घूमो फिरो इंजॉय करो अपनी लाइफ में और नए फ्रेंड्स बनाओ ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बने जहाँ पे आप नए लोगों से मिल सको नए कनेक्शंस बना सको तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अ टाइम टू गिव रादर देन टेक मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है बेसिकली आपकी सिचुएशन में इस बाकी कार्ड्स के साथ इट्स लाइक like कि आपने हमेशा यू you नो know, uh, दिया है um, लेकिन दूसरों को तो इट्स इट्स बेसिकली राइट नाउ इज द टाइम जो आपको खुद को देना है जो आपने लव केयर अटेंशन आप दूसरों को देते आए हो इट्स टाइम फॉर यू टू रिसीव जो लोग सिंगल हैं और अगर आपने किसी पाँच पर्सन को रीच आउट किया तो आई एम श्योर कि आपको क्लोजर तो मिल जाएगा लेकिन आपको सामने शायद कुछ नहीं दिख रहा होगा जैसे मैंने कहा कि अगर जिन लोग जो लोग अभी अलाइंड हैं विद द डिवाइन जो इनका डिवाइन पर्पज़ है उससे भी यू नो अलाइंट हैं उनके लिए रास्ता बहुत क्लियर होगा उनके लिए पूरा पाथ क्लियर होगा <coughs> और आपको पता होगा कि क्या करना अब आपके लिए बेटर रहेगा इस सिचुएशन में लेकिन जो लोग सिंगल हैं राइट नाउ उनको आगे कोई ऑफर दिख नहीं रहा तो आपको पास पर्सन को रीच आउट नहीं करना चाहिए अभी क्यों क्योंकि आपके लिए मूव ऑन करना ईजी नहीं रहेगा इन दैट सिचुएशन सो जस्ट जस्ट यू नो ट्राई टू कनेक्ट यूर सेल्फ टू योर डिवाइन ताकि आपको रास्ता जो है कि क्या पाथ आपके लिए सही रहेगा आगे उस चीज़ को आप फॉलो करो और जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक नया इंसान ऑफ़र uh, की तरह मौजूद है ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी कर, आपकी लाइफ में कोई इंसान है ऑलरेडी जो आपको प्यार ऑफर करना चाह रहा है या आपकी आपकी आपसे बात करना चाह रहा है लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर या यू नो लव ऑफर कर रहा है आपको या कमिटमेंट ऑफर कर रहा है या रिलेशनशिप ऑफर कर रहा है या जस्ट फ्रेंड्स की तरह से अभी आप न्यू गेटिंग टू नो ईच अदर वाली सिचुएशन चल रही है तो तब भी तभी आप अगर यू नो पास्ट पर्सन को रीच आउट करोगे फॉर क्लोजर तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा सो so, उसके अलावा है क्रिएटिव राइटिंग मेक टाइम टू राइट डाउन योर थाट्स इन अ जर्नल और पेन एन आर्टिकल और बुक इस टाइम पे आप जो भी लिखोगे उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इट कम्स टू फ्यूशन तो कोशिश करो कि आपके जो भी गोल्स हैं स्पेशली क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है तो आई वुड सजेस्ट यू के आप लोगों के लिए कुछ ऐसा है जो कि आपको अलाइन कर रहा है टूवर्ड्स तो व्हाट यू वांट तो इस टाइम को यूज़ अगर आप करो अपने गोल्स लिखने में तो आपके लिए वो गोल्स आपके जो भी होंगे वो सारे फुलफिल हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे आप रीच कर पाओगे उन गोल्स को और स्पेशली अगर आप विजन बोर्ड बना लो ट्वेंटी का तो वो भी आपके लिए बहुत यू नो अच्छा रहेगा रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर आपके पास नई अपॉर्चुनिटी नहीं भी है टू मूव ऑन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलीज़ द एक्स रिलीज़ द पास्ट और इन्जॉय करो रिलैक्स करो रेस्ट करो अपनी लाइफ में विच वाइट विच बी द लाइट जहाँ पे आप अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे डिवाइन के साथ तो आपको अंदर एक ख़ुद से एक एम्पावरमेंट फील होगी और वो एम्पावरमेंट ऐसी होगी जो कि बिल्कुल आपको uh, एक लाइट फीलिंग भी देखिए उसके साथ साथ आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी फील होगा और आपको लगेगा कि नाउ यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू अब आपको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या करना आपके लिए बेटर रहेगा आप जो पास्ट के एक उसमें यू नो इल्यूजन डिल्यूजन में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि शायद आपका पैचअप हो जाए शायद कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए पास्ट के पर्सन के साथ वो सारा कुछ क्लियर आउट हो जाएगा तो क्लैरिटी काफ़ी हद तक आपके जो है वो लाइफ में आ जाएगी तो मेक श्योर sure कि आप अपनी लाइफ में जो यू uh, नो you know, आपका कनेक्शन है विद योर गॉड विद योर डिवाइन आप उसको उसको ज़रूर यू नो यू नो उसको uh, उस कनेक्शन को ज़रूर बना के रखो इस टाइम के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी टूअर्ड्स टूअर्ड्स द राइट पाथ कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए स्पेशली अगर आपके पास ऑफ़र नहीं है मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के पास ऑलरेडी ऑफर है और आपको पता है कि अगर आप वो ऑफर लोगे तो आप सक्सेसफुल ही रहोगे लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें थी जो कि अच्छा हुआ कि क्लियर आउट हो गई Uh, इस तरह की सिचुएशन होगी कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आप पास पर्सन को रीच आउट करके पिछला जो भी है उसको क्लियर आउट करना चाह रहे हो ताकि कहीं ना कहीं आपके फियर डाउट या uh, एक होता है ना कि एक रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने उनको मैसेज कर लिया होता अब आपने मैसेज कर लिया तो आपको एक सुकून आ जाएगा कि फाइनली हाँ मतलब नाव यू आर रेडी टू मूव ऑन तो वो चीज़ एक क्लोजर जो है वो मिलना मस्ट है इस सिचुएशन में ताकि आप हैप्पीली मूव ऑन कर सको विद द न्यू पर्सन Uh, तो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपके साथ माच किया हो किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो टी आई टू द नेक्स्ट रीडिंग फिर गाइज बाय बाय